हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं ब्लॉग बना रही हूँ आज 2-3 दिन बाद, क्योंकि टाइम नहीं मिला। और अभी आ रखी हूँ मैं खेत में, शाम के बज गए हैं 5:30। हमने परसों का घास सुखाने के लिए डाला था ना, तो ये सूख गया है, तो मैं इसकी गठरी से बना रही हूँ और फिर इसको पेड़ में लगाएंगे। दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो गाइस, ये सब मैंने बांध दिए हैं इनकी गठरी। अब इनको ऐसे दो करके बांधने हैं, दोनों ये दो एक साथ बांधने हैं ऐसे करके। बताते हैं आपको। तो गाइस, इसको ऐसे बांधते हैं, दो गठरी का। और मैंने सारे बांध दिए हैं और इसको अब पेड़ में लगाएंगे। आज तो नहीं लगाएंगे क्योंकि अब अंधेरा होने वाला है, और कल लगाएंगे इसको पेड़ में। ये और सारे काट लिए हमने, ये अभी सूखे नहीं है सारे। ये तुअर दाल है और शाम का नज़ारा। ये उड़द दाल है, ये देखो उड़द दाल। ये अभी कच्ची है, ये सारे खेत में उड़द दाल है। तो गाइस, आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। और मैं रात को ही बोल रही हूँ क्योंकि मुझे सुबह से टाइम नहीं मिला। और ये हमारे कान्हा जी, और यहाँ पे ये कान्हा जी का भोग बना रखा है। और अभी मंदिर उलट पुलट हो रखा है क्योंकि घर में हो रही है सफाई, पेंट वगैरह हो रहा है, तो इसलिए यहाँ मंदिर यहाँ पे बना रखा है। मंदिर क्या है कि मूर्ति रखी है, क्योंकि और सामान तो भी ऐसे बिखरा पड़ा है। तो आज कान्हा जी का बर्थडे था, तो इसलिए हमने बोला यहीं पे कर लेते हैं मंदिर। देखो बहुत सुंदर लग रही है। तो गाइस, यहाँ पे हो गई ये पूजा स्टार्ट। और ये मेरी ननद है और मेरी सास, दोनों पूजा कर रही हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ। तो चलो करते हैं आरती वगैरह स्टार्ट। आप भी देखिए हमारे पहाड़ में कैसे कैसे पूजा की जाती है, नॉर्मल तरीके से करते हैं। और यहाँ पे जो ये वो रखा है भोग भगवान जी का, तो इसमें हमारा नॉर्मली है, इसमें वो क्या बोलते हैं इसको, मीठे परांठे हैं और चूरमा है, हलवा है और सेब काट रखा है। बस यही होता है हमारे पहाड़ों में, और ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। तो चलो,
तो गाइस पूजा हो गई है डन, और ये अब बाहर जा रहे हैं, बाहर में तुलसी माता की पूजा करेंगे और ये चले बाहर को। तो गाइस ये बना रखी है तरबूज की सब्जी, ये हमें किसी ने दिया है, और ये बना है हलवा। ज़्यादा कुछ नहीं होता है गांव में, क्योंकि क्योंकि गांव में कुछ चीज़ें मिलती नहीं है, तो यहाँ नॉर्मली खाना होता है। और ये हलवा बनाया है, ज़्यादा हलवा नहीं खाते, थोड़ा थोड़ा बना रखा है। और ये बस सिंपल खाना है, ये सब्जी है और रोटी बना रखी है बस। और हमारा किचन देखो यहाँ हमारा किचन देखो आजकल कैसा हो रखा है। ये किचन नहीं, ये कमरा है, किचन, और किचन में भी पेंट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पूरा ऐसा गजड़ बजड़ हो रखा है। ये देखो गाइस पूरा स्टोर रूम बन रखा है, इधर पूरा सामान इधर ही है, ये देखो। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये है मेरी शादी की, इसको हम बोलते हैं गागर, इसमें पानी लाते हैं, ये भी हमने संभाल रखी है। देखो ये पहाड़ी कल्चर है, तो शादी होती तो ये जाता ही जाता है, इसको गागर बोलते हैं। किसकी होती है, तांबे की ना, तांबे की होती है, पीतल की होती है शायद, पर ये तांबे की है। तो इस रूम में हो गया है, ये वाला हमारा स्टोर रूम है, यहाँ हो गया है, और ये किचन, पहाड़ी किचन। तो ये बना ये अभी पेंट नहीं हुआ इधर, तो इसलिए हमने किचन कमरे में ही बना रखा है, यहाँ कल हो जाएगा, फिर कल हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे किचन। और यहाँ रूम, ये रूम हो गया है, ये दो रूम हो गए हैं, और यहाँ पे हमने मंदिर बना रखा है, क्योंकि अभी ऐसे ही उलट पलट हो रखा है सारा। और ये हमारा बरामदा है, यहाँ पे भी ऐसी है, पेंट ही पेंट, पेंट ही पेंट हो रखा है। तो चलो गाइस हम मिलते हैं खाने के बाद, और ये खाने लग गए। तो गाइस ये है पहाड़ी तरबूज, और इसकी सब्जी बना रखी है हमने, ये हमें किसी ने दिया है, हमारा तो नहीं है अभी कुछ ऐसा। देखो बहुत टेस्टी हो रही है इसकी सब्जी। तो चलो ये आधा रह रखा है, पूरा था आधा रह रखा है, आधा दूसरे दिन बनाएंगे। कैसा हो रहा है? बहुत ही मैंने बनाया गाइस बैकग्राउंड ना थोड़ा इग्नोर मारना, क्योंकि बैकग्राउंड बहुत गंदा हो रखा है, खचड़ पचड़ा गांव है, तो गांव में तो ऐसे भी दे दी है सब्जी, और ये है रोटी। और हम खाते हैं नीचे बैठ के खाना, पहाड़ी है और हम नीचे बैठ के ही खाना खाते हैं, और हम कहीं भी रहें तो हम अपना कल्चर नहीं छोड़ेंगे, हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, और हम खाते हैं रोटी सब्जी। तो मिलते हैं आपको बाद में।